ये पेल्टन व्हील हम लोग पढ़ रहे थे आज, इसके पहले। पेल्टन व्हील क्या होता है? एक इंपल्स टरबाइन है। इंपल्स मतलब आवेगी टरबाइन या वेग टरबाइन, जो कि टेंजेंशियल फ्लो करता है। टेंजेंशियल फ्लो का मतलब होता है कि वृत्त को छू के निकल जाए, स्पर्श इफेक्ट ऐसे। तो आपका फिगर देखिए, आपका पेल्टन टरबाइन का फिगर है जिसमें 5 नोजल लगा हुआ है। इसमें 5 नोजल लगा, एक नोजल पहला नोजल है, दूसरा नोजल है, तीसरा नोजल है, चौथा नोजल है, पांचवा है। मैक्सिमम 6 लग सकता है। किसी किसी में 1 लगा होता है, किसी में 2 लगा होता है, मैक्सिमम 6 लगा सकता है। ये उसमें ब्लेड लगे हुए हैं, ये आप उसका रनर है। ये पानी जब जाता है तो ऐसे छू के निकलता है, जैसा लगता है कि वृत्त को छू के निकलना है, इसीलिए इसको स्पर्श रेखित टरबाइन कहते हैं। पानी इस रनर को छू के निकलता है, जैसे वृत्त है ना, इस वृत्त को छू के निकलना, स्पर्श करके। ये वृत्त के स्पर्श रेखा से या टेंजेंट से किया गया है। देखिए एक और फिगर है इसका, इसमें जो ब्लेड लगा होता है, दो कटोरे मिला के एक ब्लेड बनाया जाता है। डबल बाउल से होता है, यानी कटोरे के से दो बाउल मिला के यहाँ से पानी जाके नोजल से टकराता है। लेकिन नोजल में एक लगा होता है कोनिकल शेप स्पीयर, यह इसका काम होता है कंट्रोल करना पानी कितना जाएगा इस नोजल। अगर यह स्पीयर आगे चला आता है तो पानी रुक जाएगा, जितना पीछे जाएगा उतना ज्यादा पानी है। उसका काम होता है पानी कितना हमें इस नोजल से निकालना है, उसको कंट्रोल करना, जरूरत के हिसाब से पानी को कंट्रोल कर लेते हैं। नोजल हम पढ़ चुके थे, पेल्टन टरबाइन में नोजल लगा होता है उसको पढ़ चुके थे। पेल्टन टरबाइन के पार्ट है, नोजल हो गया, रनर और बकेट हो गया। रनर और बकेट भी पढ़ लिए थे। रनर क्या होता है? जो गोल होता है पहिए की तरह जिसपे ब्लेड लगे होते हैं उसको रनर कहते हैं। बकेट या वेन या कटोरी की शेप का जो ब्लेड है उसी को क्या कहते हैं? बकेट या वेन कहते हैं। इसको भी देख चुके थे। फिर केसिंग, केसिंग क्या है? कवर है जो ऊपर से टरबाइन के ऊपर से लगा दिया जाता है, जो पानी को बाहर निकलने से रोकता है। पानी ऐसा ना हो कि नोजल से निकले और टरबाइन से टकरा के इधर उधर छींटा फेंके, जो छींटा निकलता है ना, उस छींटे को रोकने के लिए हम केसिंग लगाते हैं। जो पानी का छींटा टकराता है, पानी टकराता तो छींटा फेंकता है, वो उस छींटे को बाहर किसी के ऊपर ना जाए, किसी मशीन पे ना जाए, उसको रोकने के लिए बाहर कवर लगा देते हैं। यह कवर लोहे का बना होता है जो पेंट होता है, इसका फिगर दिखा देते हैं। तो यही केसिंग है, यहाँ पे दिख रहा होगा, यह केसिंग है। ऊपर से एक कवर लगा दिया जाता है, टरबाइन को ढक दिया जाता है चारों तरफ पतली सी प्लेट से। केसिंग हो गया। फिर ब्रेकिंग जेट, ब्रेकिंग जेट का काम क्या होता है? यह करता है पानी को, सॉरी, टरबाइन जब नाचता है तो कभी कभी हमें टरबाइन को तुरंत रोकना होता है। टरबाइन को रोकने के लिए सबसे पहले तो जो नोजल से पानी जा रहा है उसको क्या करेंगे? बंद कर देंगे। देखिए यहाँ नोजल से जो पानी जा रहा था उसको बंद कर देंगे स्पीयर की मदद से। स्पीयर क्या करेगा? अंदर जाएगा और पानी बंद हो जाएगा। फिर भी क्या होता है कि ये आपका जो टरबाइन है नाचता रहता है। क्यों? क्योंकि टरबाइन के अंदर इनर्शिया रहती है। कोई भी चीज एक बैग तो रुकता नहीं, अगर 2000 आरपीएम पे नाच रहा तो एक बैग तो रुकेगा नहीं। उसको रोकने के लिए या तो उल्टा, जैसे पंखा, पंखा लाइट भाग बंद
लाइट जाता तुरंत थोड़ी बंद हो जाता है, कुछ देर तक नाचता रहता है। लेकिन जो आपका टरबाइन होता है पंखे के 5 गुना 10 गुना ज्यादा स्पीड पे नाचता है, पंखे के 5 गुना 10 गुना स्पीड पे नाचता है, इसलिए इसको तुरंत नहीं बंद कर पाते हैं। इसके लिए एक लगाते हैं ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट उल्टा डायरेक्शन से पानी भेजता है ऐसे, माने ऐसे नाच रहा है आपका, जब उल्टा के पानी टकराएगा तो क्या करेगा, एक अपोजिट इस पर फोर्स लगाएगा, जिससे क्या होगा आपका जल्दी से टर्बाइन उठ जाता है। ब्रेकिंग जेट का यही काम। अब पेंटन व्हील का क्रिया सिद्धांत। क्रिया सिद्धांत सिंपल सा है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। पानी यहां से निकलेगा नोजल से, और यह पानी कैसे आता है, एक पाइप है जिसको जिसका नाम है पेनस्टॉप, पाइप जिसका नाम पेनस्टॉप है, इसी के माध्यम से पानी आता है। और पाइप में पानी कहां से आता है, नदी में, नदी के ऊपर बांध बना के पानी को रोक लेते हैं, फिर वहां से पाइप के रास्ते पानी को टरबाइन पे भेजते हैं। तो यहां से जब पानी नोजल के रास्ते निकलेगा तो यह एक जेट में निकलता है, जेट मतलब बहुत तेजी से पानी निकलता है और जाके ब्लेड में टकराता है। ब्लेड पे टकराता है तो ब्लेड पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा तो ब्लेड आगे की तरफ इधर भागेगा ब्लेड, लेकिन ब्लेड जुड़ा होता है रनर से, इसी से जुड़ा होता है तो ऐसे घूमने लगता है ऐसे, तो आपका ये रनर घूमने लगता है ऐसे ऐसे गोल गोल, जितना ज्यादा पानी तेजी से आएगा उतना तेज तेज नाचेगा ये रनर। और इस रनर में एक बीच में शाफ्ट लगा होता है, यह जाके जनरेटर से जुड़ा होता है शाफ्ट, वो जनरेटर भी नाचता है, दूरी बनाने का काम करता है, या जहां भी हमें जरूरत होता है उससे काम करवा सकते हैं। यही क्रिया सिद्धांत था इसका। अब नेक्स्ट टर्बाइन है फ्रांसिस टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन ये भी एक साइंटिस्ट थे फ्रांसिस, उन्हीं के नाम पे रखा गया है फ्रांसिस टर्बाइन। यह देखिए जो पहला पेल्टन टर्बाइन था वो इंपल्स टर्बाइन था, यानी आवेगी टर्बाइन था, लेकिन फ्रांसिस टर्बाइन आपका रिएक्शन टर्बाइन, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन। इसमें क्या होगा, रिएक्शन टर्बाइन जैसे चलता था वैसे ही चलेगा, रिएक्शन टर्बाइन अब पढ़ चुके हैं कैसे होता है। तो फ्रांसिस टर्बाइन का एक वीडियो देखते हैं कैसे चलता है, ठीक है।